समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पाठक। पहले नजर डालेंगे टीकमगढ़ की खास खबर पर। आज टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में कायाकल्प की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है। टीकमगढ़ जिला अस्पताल पिछले 2-3 वर्षों से प्रथम स्थान पर आ रहा है और टीम द्वारा इस बार भी प्रथम स्थान आने की बात कही गई है। टीम द्वारा बताया गया कि प्रदेश स्तर पर जिले के अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर टीम द्वारा साफ सफाई, ऑफिस मेंटेनेंस सहित विभिन्न चीजों को देखा जाता है। क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, इन सभी को देखा जाता है। जहां खामियां देखी जाती हैं वहां करने को कहा जाता है और इसके लिए क्या बजट चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाता है। टीम द्वारा बताया गया कि टीकमगढ़ जिला अस्पताल की व्यवस्था है काफी हद तक दुरुस्त नजर आ रही है। यहाँ पर साफ सफाई, इन्फेक्शन ना हो किसी को, इसका भी ध्यान रखा जाता है। मरीजों की व्यवस्था अच्छी बनी हुई है। काफी हद तक कहा जा सकता है कि इस बार फिर टीकमगढ़ नंबर 1 बनेगा और कायाकल्प की टीम द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। यह सब टीकमगढ़ के डॉक्टर्स और स्टाफ की व्यवस्था के कारण हो पा रहा है। टीम द्वारा टीकमगढ़ जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को सराहा गया है और उम्मीद लगाई गई है कि एक बार फिर नंबर 1 बनेगा जिला अस्पताल। टीकमगढ़ से विकास राय की रिपोर्ट। कायाकल्प के अंतर्गत सभी जिला चिकित्सालय और CSC और PSC सभी में एक निरीक्षण किया जाता है। सबसे पहले जिला चिकित्सालय के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। उसके पश्चात एक स्टेट से टीम भेजी जाती है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, वो करती है पीयर असेसमेंट। के लिए मैं और मिसेस प्रीतिलाल सिस्टर आए हुए हैं और पीयर असेसमेंट में हमारा मूल उद्देश्य ये होता है कि यदि यहाँ पे व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करना और उसके साथ साथ ये देखना कि क्या चीज़ और अच्छे तरीके से व्यवस्थित की जा सकती है, साथ में ही फाइनल असेसमेंट की तैयारी भी। यहाँ पर आए आपको क्या लगा अभी? अभी तक मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी महसूस हुई कि डॉक्टर यशस्वी खरे हमको मिले, वो कायाकल्प के नोडल अधिकारी हैं यहाँ के। उनसे बातचीत करके और उनका डेडिकेशन देख के मुझे ये महसूस हुआ, और मैंने साक्षात रूप से देखा भी हर एक डिपार्टमेंट में जाके, कि उन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों को किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन ना हो पाए, लोगों समाज का सही तरीके से कोई भी सेवा हो पाए और व्यवस्थाओं को जितना सुचारू रूप से चलाया जा सकता है उसको, व्यवस्था को चलाने के लिए अंतर मन से हमारे भाव होने चाहिए कि हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकें।